मैं डॉक्टर कमला कौर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आरडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट में से सबसे पहले एल्गी के बारे में आज बताना चाहूँगी। एल्गी वो छोटे प्लांट्स हैं जिनको हम थैलोफाइटा में रखते हैं, यानी कि इनका आकार थैले के आकार का होता है और ये जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होते हैं। एल्गी वर्ड लैटिन से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है सी वीड्स, यानी कि ज़्यादातर ये छोटे प्लांट्स समुद्र में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्क एल्गी के ऊपर, एल्गी को हिंदी में हम शैवाल कहते हैं, एल्गी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम MOP आयंगर ने किया है, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। फाइकोस मीन्स सी वीड्स और लोगोस मीन्स डिस्कोर्स, यानी कि टू स्टडी। वर्ल्ड में एफी फ्रिट्स ने सबसे ज़्यादा काम एल्गी पर किया है, जिनको हम फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी कहते हैं। अगर एल्गी के आवास या हैबिटेट की आज हम बात करें तो एल्गी सब जगह पाई जाती है, यानी कि ये जल में, स्थल में और इवन ऐसी जगहों पर भी पाई जा सकती है जो असामान्य आवास में आते हैं या असामान्य हैबिटेट में आते हैं, अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी ये पाई जाती है। एक्वेटिक एल्गी ने हम सबसे पहले अगर एल्गी के आवास को देख रहे हैं तो एल्गी एक्वेटिक एल्गी है, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर में आते हैं पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, पूल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब फ्रेश वाटर की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी अलग तरीके से दो तरीके की बात हम करेंगे। सबसे पहले रनिंग वाटर, यानी कि प्रवाही जल में, जो बहते हुए जल में एल्गी पाई जाती हैं, जैसे क्लैडोफोरा, ऊडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स और तार। दूसरा आता है फ्रेश वाटर में स्टेगनेंट वाटर, यानी कि स्थिर जल, स्थिर रहने वाला, जिसमें हम क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टाइलॉन, स्पाइरोगायरा को हम इसके बीच में रखते हैं। फ्रेश वाटर के बाद अब हम मैराइन एल्गी की बात करें या लवणीय जल में पाई जाने वाली एल्गी की बात करें तो समुद्र में मेनली पाई जाती हैं एक्टोकार्पस, सरगासम, पॉलीसाइफोनिया एक्सेट्रा। कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जो हॉट वाटर, समुद्र गर्म, हॉट वाटर या गर्म जल में पाई जाती हैं, जहाँ पर टेम्परेचर जो है लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कुछ एल्गी जो है वो टेरेस्ट्रियल भी है, टेरेस्ट्रियल यानी कि रॉक्स, सॉइल्स, लॉग्स, इन पर भी पाई जाती हैं, जिनको हम इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं वाउचेरिया, बॉटपीडियम, फ्रिटशेला, युगलीना एक्सेट्रा। ये सैप्रोफाइट्स भी हो सकती हैं, यानी कि दूसरे सड़ी गली चीज़ों पर भी पाई जा सकती हैं, या क्रिप्टोफाइट्स भी हो सकती हैं अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबीना। सेप्रोफाइट्स के एग्जांपल हैं वाउचेरिया, बॉटपीडियम, युगलीना एक्सेट्रा। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स, कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो ऐसी जगहों पे पाई जा सकती हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि इतने छोटे प्लांट जो हैं वो ऐसी जगहों पर पाए जाएंगे, जैसे कि हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स एल्गी में लवणीय जल या दलदल वाले स्थानों पर जो पाई जाती हैं, जैसे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स,
लवणीय जल, इसमें क्लेमाइडोमोनास, एरनबर्गाई और जूनेलिना आते हैं। इसके बाद एपीफिटिक एल्गी यानी कि अधिपादन। एपीफिटिक एल्गी वो एल्गी हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर सकती हैं, जैसे ऊडोगोनियम, माइक्रोस्पोरा, क्लैडोफोरा, वाउचेरिया एक्सेट्रा। दूसरी आती हैं, नेक्स्ट आता है एपिजोइक एल्गी, यानी कि ग्रो ऑन द एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के ऊपर जो एल्गी ग्रो करती हैं, इसमें क्लैडोफोरा, स्टीगियोक्लोनियम आते हैं, जो दूसरे एल्गी के ऊपर भी ये ग्रो कर सकती हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर ग्रो कर सकती हैं, जैसे स्नेल्स के ऊपर, फिशेज हुई, टॉर्टॉइस, टर्टल एक्सेट्रा। एंडोजोइक एल्गी, कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो जानवरों के अंदर पाई जाती हैं, पहले तो एपिजोइक जानवरों के ऊपर पाई जाने वाली, अब ये एंडोजोइक जिनको अंतर्जान भी कहते हैं, इसमें जू क्लोरेला, ऑसिलेटोरिया ये आते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ वर्टिब्री जो एनिमल्स हैं उनमें भी पाई जा सकती है। नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक एल्गी, वो एल्गी जो दूसरों के साथ, दूसरे प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बनाकर रहती हैं, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फंजाई के साथ, जिसमें ब्रायो फंजाई के साथ, जिसमें जिसको हम कहते हैं लाइकेन, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन, जिसमें दोनों को ही लाभ होता है। एल्गी तो भोजन बनाने का काम करती है और जो फंजाई हैं वो एक तरीके से सबस्ट्रेटम तैयार करने का काम करती है, जो बंजर भूमि है उसको नम बनाने का काम करते हैं, तो दोनों को ही बेनिफिट होता है, इसलिए ये एक सहजीवन या सिम्बायोटिक एल्गी है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जैसे लाइकेन, तो लाइकेन में नॉस्टॉक, माइक्रोसिस्टिस, क्लियोकैप्सा आदि आते हैं। नेक्स्ट आता है एंथोसिरोस, एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है जिसके थैलस में नॉस्टॉक या एनाबुलबिना, ब्लू ग्रीन एल्गी कॉलोनीज बनाकर रहती हैं जो इनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है साइकस, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, अनावृत बीजी है, जिसमें दो तरीके की रूट्स पाई जाती हैं, नॉर्मल रूट्स और कॉरेलॉइड रूट्स। नॉर्मल रूट्स तो नॉर्मल काम करती हैं, जो जड़ का काम होता है प्लांट को फिक्स करना ज़मीन में और जल और खनिज लवण का अवशोषण करना, लेकिन कॉरेलॉइड रूट जो हैं वो ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं, जिनको प्रवाल जड़ें भी कहते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, जिसमें साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, जो एक सिम्बायोटिक एल्गी का एग्जांपल है। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो क्रिप्टोफिटिक कैटेगरी में आती हैं, यानी कि ऐसी एल्गी जो बहुत ठंडी जगहों पर पाई जाती हैं, आइस या स्नो पर भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से स्नो का कलर भी चेंज हो जाता है, तो जैसे अल्पाइन एंड आर्कटिक माउंटेन्स ये रेड हो जाते हैं हिमेटोकोकस निवालिस के कारण, यूरोप माउंटेन्स ग्रीन हो जाते हैं क्लेमाइडोमोनास के कारण, येलो स्टोनियसिस एंड मीजो टैनियम के स्पीशीज के कारण, ब्लैक हो जाते हैं अगर तो ये स्कॉटियाला निवालिस के कारण हो जाते हैं, ब्राउन पर्पल कलर के एना साइक्लोनीमिया के कारण ये ऐसे स्नो हमें ऐसी दिखाई देने लगती है। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो रॉक्स पर पाई जाती हैं, जिनको हम शैलोद्भिद या लिथोफाइट्स कहते हैं, जैसे नॉस्टॉक, रिवोलेरिया, ग्लियोकैप्सा, साइनोटिमा एक्सेट्रा। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो पैरासाइट्स हैं, पैरासिटिक एल्गी, पैरासाइट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे सिफेलोरस,
सिफेलियोरस वायरसेंस जो रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी प्रोड्यूस करती हैं, ये पैरासिटिक एल्गी। थर्मोफाइट्स, कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में भी पाई जा सकती हैं, जिनको जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाई जाती हैं, जिसमें हम कहते हैं ऑसिलेटोरिया ब्रेविस साइनोकोकस। तो बच्चों, आज तो हमने बात की कि एल्गी किन किन हैबिटेट में रह सकती है या किन कहां कहां पर पाई जा सकती है। थैंक यू।